एक तरफ जहां दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा के कई इलाकों से वापस लौट चुकी है और कई जानकारों का कहना है कि आईडीएफ रफा पर जमीनी हमला करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि हमास का सफाया करने के लिए रफा पर हमला बेहद ही जरूरी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो रफा पर जमीनी हमले के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि रफा में करीब 14 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन अब मिस्र में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल रफा पर हमला करेगा, चाहे बंधकों की डील हो या फिर ना हो। हालांकि इससे पहले इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स ने कहा था कि अगर हमास बंधकों को छोड़ देता है तो ऑपरेशन को स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन नेतन्याहू का ये बयान उनके बयान के बिल्कुल उलट है। दरअसल नेतन्याहू का कहना है कि ये विचार कि हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने से पहले युद्ध रोक देंगे, ये सवाल से बाहर है। हम रफा में घुसेंगे और हम वहां हमास की बटालियनों को खत्म कर देंगे, समझौते के साथ या बिना। हमास के खिलाफ पूरी जीत हासिल करने के लिए हम रफा में दाखिल होंगे। आपको बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कार्ड्स ने इजरायली चैनल 12 को दिए इंटरव्यू में कहा था कि यदि हमास गाजा में बंधक बनाए गए करीब 130 इजरायलियों को छोड़ दे तो ऑपरेशन स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कार्ड्स के इस बयान को असाधार उदार शर्तों वाला बताया है। ब्लिंकन का कहना है कि हमास को जल्द ही इस पर फैसला लेना चाहिए। ब्लिंकन ने हमास से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का आह्वान किया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नेतन्याहू की रफा को लेकर टिप्पणी से हमास के फैसले पर कैसा असर पड़ेगा। और इससे पहले भी हमास ने इजराइल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हमास ने कहा था कि एक स्थायी युद्ध विराम के लिए इजरायली फौज को गाजा को पूरी तरह से छोड़ना होगा। लेकिन रफा पर हमले को लेकर नेतन्याहू को अपने गठबंधन नेताओं का भी साथ मिल गया है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोटरिच ने 30 अप्रैल 2024 को एक बयान में कहा है कि नेतन्याहू को रफा पर जमीनी हमले के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को मानना इजराइल के लिए आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। इजराइल के वित्त मंत्री का कहना है कि इजराइल को अपने दुश्मनों का पूर्ण सफाया करना चाहिए। वहीं इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुरियन ने भी दावा किया है कि नेतन्याहू ने उनसे वादा किया है कि इजराइल रफा के भीतर जरूर घुसेगा और युद्ध नहीं रोकेगा। उनका कहना है कि नेतन्याहू ने वादा किया है कि हम इस तरह के किसी भी जल्दबाजी वाले फैसले को नहीं मानेंगे।